टीचर अपने छात्रों को सही मार्ग दिखाते हैं, उन्हें सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन जब वही गुरु खुद ही कुकर्म करे तो ऐसे में उनके शिष्य क्या करेंगे। ऐसा ही एक मामला गंगानगर के अनूपगढ़ से आया है, जहाँ एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल शराब के नशे में धुत होकर कॉलेज पहुंच गए, जिसके बाद पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। अनूपगढ़ के सेठ बिहारी लाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय में सुबह 11 बजे करीब कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक कुमार मीणा शराब के नशे में कॉलेज पहुंच गए। प्रिंसिपल नशे में इतने ज्यादा धुत थे कि कॉलेज में आते ही हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स उनके पास गए और उन्हें समझाया कि ऐसी हालत में उन्हें घर चले जाना चाहिए, लेकिन इस पर प्रिंसिपल और ज्यादा भड़क उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे और गाली गलौज करने लगे। स्टूडेंट्स के लाख कोशिश के बाद भी प्रिंसिपल नहीं माने, जिस पर स्टूडेंट्स ने पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी। कॉलेज का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्टूडेंट्स के रोकने पर भी प्रिंसिपल नहीं मान रहे हैं। स्टूडेंट ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला, जिस वजह से वे नीचे गिर गए। मामले में पुलिस जांच कर रही है और प्रिंसिपल को सस्पेंड करने की मांग को लेकर कॉलेज स्टूडेंट धरने पर भी बैठ गए हैं। प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी स्टूडेंट अपनी मांग पर बैठे हैं। मामले की जांच में यह भी पता चला कि प्रिंसिपल पिछले कई दिनों से कॉलेज में ही रह रहे हैं और वहीं बैठकर शराब भी पीते हैं। कॉलेज के रसोई घर से भी कई सारी शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। इससे पहले भी प्रिंसिपल SDM ऑफिस में नशे में हंगामा कर चुके हैं।